मॉर्निंग टू एवरीवन। देखिए टुडे इन द मॉर्निंग वी ऑल डिस्कस न्यू टेंस पास्ट कंटीन्यूअस टेंस चेंज इनटू पैसिव वॉइस। हम लोग आज की डेट में न्यू जो आपका टॉपिक है जिसका नाम है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, आज हम उसी पर डिस्कस करने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से सुने, देखें और समझें। कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो, कंफ्यूजन हो, उसे कंफर्म श्योर कर लें। अंडरस्टैंड? देखिएगा आपके सामने बोर्ड पर आपके टॉपिक पढ़ा हुआ है जो हम पढ़ रहे हैं हम लोग एक्टिव टू पैसिव वॉइस, ठीक है। उसका जो आगे बढ़ते हुए जो टेंस हमारा आया है सीरियल वाइज, दैट टेंस नेम इज क्या है? पास्ट कंटीन्यूअस। उस टेंस का नाम है पास्ट कंटीन्यूअस। उसमें जैसा कि आपको हम पढ़ रहे हैं, आपको अवगत करा रहे हैं, बता रहे हैं कि टेंस एनीवे कोई भी टेंस हो, हमें उसकी पीवी बनानी है, मींस पैसिव वॉइस बनाना है, तो उस टेंस की चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो, एनीवे कोई भी टेंस हो, हमें उसकी पैसिव वॉइस बनानी है, तो उसके जो वाक्य हैं, सेंटेंस जो है, फोर टाइप सेंटेंस मेकिंग पैसिव वॉइस, यानी चार प्रकार के जो वाक्य हैं उनको हम पैसिव वॉइस में बनाते हैं। शेरवाई नंबर फर्स्ट में आपका आता है अफर्मेटिव, सेकंड नंबर में निगेटिव, थर्ड नंबर में आता है इंटरोगेटिव सेंटेंसेज पार्ट ए और फर्स्ट टाइप, इंटरोगेटिव सेंटेंसेज फर्स्ट टाइप, और नंबर फोर्थ में आता है इंटरोगेटिव सेंटेंसेज पार्ट बी मींस सेकंड टाइप। अंडरस्टैंड? देखिए इसके बाद में जो न्यू आपका टेंस है ये है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। जो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस आपका है इसके जो अफर्मेटिव सेंटेंस, जैसा कि हम पीछे जो भी टेंस को पढ़ते चले आ रहे हैं तो उसमें सीरियल वाइज यही क्रम था, जो भी टेंस था उसमें भी पहले अफर्मेटिव, तो आज न्यू जो टॉपिक आपका है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। हिंदी में इसकी पहचान, इंट्रोडक्शन, रिकॉग्नाइजेशन, यू नो, आप सभी लोग जानते हैं क्या पहचान होती है इसकी, पहचान होती है हिंदी में रहा था, रही थी, रहे थे, ठीक है। हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं करना है, बट हमें जो आपके ऑलरेडी ये सेंटेंस दिए गए हैं ये हमारे इन्हीं को, हमने इन वाक्यों को ही पैसिव वॉइस में चेंज करना है। हमारा जो फार्मूला है अफर्मेटिव का आपके सामने इन्फेंट वर्ड का लिखा हुआ है, क्या लिखा? सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, यस करता, सेकंड नंबर पर हमारे अगर सब्जेक्ट सिमिलर नंबर है मींस एक वचन है तो साइक्लिया ऐड होगी बात बी, यदि हमारा सब्जेक्ट प्लुरल नंबर है तो एवरी वर्ब ऐड होगी आपकी वर्ब बी। ये आपको ऑलरेडी सभी को यू नो, आप जानते हैं कि इसमें जो क्रिया की जो फॉर्म होती है वो फॉर्म हम यूज करते हैं थर्ड फॉर्म, वर्ब ऑफ द थर्ड फॉर्म। इसके बाद में न्यू ऑब्जेक्ट्स बिफोर बाई और ऑब्जेक्ट, समझ रहे हो, नए कर्म से पहले बाई का प्रयोग करते हैं। देखिए इधर एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है, सबसे पहला जो है आई वाज डूइंग माय वर्क, दे वर रनिंग ऑन द रोड, सी वाज कॉलिंग मी नाउ, सी वाज गिविंग मनी, यू वर टेलिंग ए लाई और टुडे, ये लिखा हुआ है। तो ध्यान दें आपका जो फर्स्ट नंबर आपका है, आपको पता है सभी को इसका जो सबसे पहले हमें क्या चूज करना है, सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू फार्मूला सबसे पहले हमें चूज करना है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा आई वर डूइंग माई वर, जो आपको पता है एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है वही हमारा पैसिव वॉइस में क्या बनता है, सब्जेक्ट बनता है।
आप पहचाने सबसे पहले इसमें हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, क्या है फाइबर। तो आप पहले लिखेंगे इसको अंडरलाइन करने थोड़ा हिंट्स के लिए, तो आप पहले लिख देंगे माई वर्क, यानी माई वर्क मीन्स अपना काम। शिवरण नंबर है सब्जेक्ट, वहां शिवरण नंबर है तो एलपी वर्क हमारी यूज कौन सी होगी, पांच भी। इधर क्रिया की थर्ड फॉर्म, डू की थर्ड फॉर्म क्या होगी, न्यू ऑब्जेक्ट बिफोर बाई और आई का क्या हो जाएगा मी, और ये हो गया हमारा पीवी पैसिव वॉइस। एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट, दे वर रनिंग ऑन द रोड, यानी वे सड़क पर दौड़ रहे थे। इस सेंटेंस का मींस अर्थ है वे सड़क पर दौड़ रहे। सेम कंडीशन इसमें अप्लाई होगी, पहले आपका जो ऑब्जेक्ट है वही हमारा बनेगा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारा क्या बनेगा ऑन द रोड, सिंगुलर नंबर है तो सहायक क्रिया हमारी ऐड होगी बाज बीइंग, रन की थर्ड फॉर्म रनिंग होती है, क्या होते हैं रन, रन और बाई और देगा हमारा क्या ऐड होगा एम, और ये हो गया मेरा पीवी। सड़क पर उनके द्वारा दौड़ा जा रहा था, है नहीं हो गएंगे था, क्योंकि चूंकि हमारा ट्रेंस है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। नेक्स्ट है सी वाज कॉलिंग मी नाउ, हिंदी अर्थ समझ ले तो सी वाज कॉलिंग मी नाउ, वह मुझे अब पुकार रही थी, वह मुझे अब बुला रही थी। देखिए इसमें भी सेम कंडीशन वही अप्लाई होगी, पहले होगा आपका जो ऑब्जेक्ट है क्या मी नाउ, लेकिन मी का रियल ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, मी का रियल का जो सब्जेक्ट है क्या होगा आई। इसी के साथ हमारा न्यू क्या है एनीथिंग में नई जो वस्तु है नहीं क्या है नाउ, आई नाउ, आई के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी हेल्पिंग वर्ब ऐड होगी बाज बीइंग, ये आपकी कॉल है कॉल की थर्ड फॉर्म कार्ड होगी कार्ड बाइंग, यानी शी का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है हर, ये हो गया आपका पीवी पैसे बैस। किसी कोई प्रॉब्लम, किसी कोई प्रॉब्लम हो कोई कंफ्यूजन हो आप कंफर्म जरूर कर लें, ओके। लेकिन नेक्स्ट नेक्स्ट आपका है सी वाज गिविंग मनी, हिंदी में क्या होगा, वह धन दे रही थी, वह धन को दे रही थी। तो आप पहले आपका जो ऑब्जेक्ट है वो है मनी, क्या है मनी, ध्यान दें। तो धन जो है आपका सिंगुलर नंबर में आता है प्लुरल में सिंगुलर, तो यहां पर आपका मनी बाज, मनी बाज बीन, ध्यान दें। और गिफ्ट की थर्ड फॉर्म गिवेन, गिवेन बाई, इधर आपका सिक्का क्या हो जाएगा हर, ये हो गया आपका पीवी पैसे बाइस। यू वर टेलिंग, यू वर टेलिंग लाइन क्या है टूडे, आप समझ लें आज तुम आज झूठ बोल रहे थे, तुम आज झूठ बोल रहे थे। तो आपका जो ये ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट होगा ए, ए लाई, ए लाई के बाद में आपका क्या है टूडे, ए लाई टूडे बाज बीन टोल्ड, टोल्ड बाई आपका यू का यू रहेगा और स्टाफ पीवी, ओके अंडरस्टैंड नॉट इट।